नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बीवी बच्चों के लिए अभिभावकों के द्वारा कितना मेहनत करना और कष्ट झेला जाता है, उसका उदाहरण इस खबर की नजर से आपको देखने को शायद मिल जाए और नौनिहालों को कुछ सबक मिल सके। ये भदोही यूपी से 4 ऊंट लेकर पूरी ओडिशा के लिए पैदल जा रहे हैं। बीवी बच्चों को छोड़ उनकी सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये इतनी लंबी यात्रा करते हुए लोगों को ऊंट की सवारी कराकर कुछ रुपए उपार्जन करते आपकी यात्रा को अंजाम देने वाले हैं। इनके मनोबल को देखते हुए इन्हें सलाम करते हैं, जो इतनी दूरी पैदल सिर्फ अपने परिवार के लिए ऊंट के भरोसे जीवन जीने को प्रयत्नशील हैं। क्या कर रही राज्य और प्रदेश की सरकार, जो इन्हें ऊंट जैसे जानवर के भरोसे परिवार का जीवन यापन करने के लिए भटकना पड़ रहा है। आप लोग कहां से कहां जा रहे हैं? हम लोग भदोही से जा रहे हैं पूरी के लिए। कितने ऊंट हैं आपके साथ? सर, कुछ खर्चा बता। 4 ऊंट हैं। चार लोग हैं जी? 4 ऊंट के साथ जा रहे हैं आप लोग ना? जी जी। आप लोग यहां से पूरी जाइएगा? हाँ, पूरी जाएंगे। हाँ, पूरी में आप लोग किस तरह से आप लोग वहाँ पे बच्चे लोग को सवारी कराता है? बच्चा लोग बैठता है इसके, एंजॉय करता है। बच्चे भर करते हैं कि अरे बड़ा छोटा सब, बड़ा छोटा सब, हर कोई एंजॉय करते हैं ना यहाँ पर बैठ के? सभी लोग वहाँ पे, बच्चे लोग आते हैं बाहर से, यहाँ कमाने खाने के लिए जा रहे हैं। बाल बच्चा को बैठा कर घुमाता टहराता है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूरी बोला ना, पूरी पूरी। पूरी में क्या आप लोग किस ढंग से कमाते खाते? यही बच्चा को सवारी कराएगा। अच्छा, और मांगेगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए रांची मांडर से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट।